अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं तुरई गोश्त का सालन। इसे हमें रिजगार्ड करी भी कहते हैं। उसके लिए हमने लिया है 1 kg तुरई। देखिए इस तरह का होता है तुरई और इसे रिजगार्ड भी कहते हैं। इसे हमने बीच में से कट कर लिया है। अब हमें इसे पील कर लेंगे। इसकी स्किन पील करने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। आप इसे पूरे पीसेस को चेक कर लीजिए थोड़ा थोड़ा कट करके। अगर इसमें कुछ भी कड़वी निकली है तो आप निकाल के अलग कर दीजिएगा। कड़वी तुरई उस करी में मत डालिए क्योंकि सालन का टेस्ट बहुत ही ख़राब होता है। इसे हमें बारीक बारीक पीसेस में इस तरह से स्लाइस कर लिया है। अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमने लिया है 1/2 kg मीट, 2 मीडियम साइज़ प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। ये जो हमने 1 kg तुरई ली थी वो हमें स्लाइस कर लिया है। हमने लिया है 4 हरी मिर्च, बीच में से स्लिट कर लिया है। 1 tablespoon अदरक लहसुन पेस्ट लिया है हमने। 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर लिया है। 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है। और हमने इसमें टमाटर नहीं दिखाए हैं आपको। हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर कट करके रख लिया था। अब हम एक कुकर चढ़ाएंगे गैस पर। उसमें हम 3 tablespoon ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे, ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। ये देखिए मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मीट। 500 ग्राम मीट हमने लिया था तो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मीट का कलर वाइट हो जाए तब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए मीट वाइट हो गया है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर। इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें 1/2 glass पानी डालकर इसका लिड क्लोज कर 2 सीटी आए तक पका लेंगे। अपने अपने कुकर के हिसाब से आप देख लीजिएगा। हमने ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लिया है। ये देखिए इस तरह का लग रहा है। हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर लिड ढक कर के पकाएंगे। ये देखिए हमने टमाटर डाल दिए हैं। अब हम इसकी लिड ढक देंगे, ढककर इसे थोड़ी देर 2 मिनट पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। ये देखिए फिर हम इसमें स्लिट करी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। फिर इसका लिड ढक देंगे हम। अब हम एक कुकिंग वेसल में ये कुकर का मिक्सर ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि हमारी करी खिली खिली बने। हम थोड़ी देर इसे भून लेंगे। जब इसका तेल छूट जाए, सारा तेल छूट जाए, तब हम इसमें तुरई के स्लाइसेस डाल देंगे। ये देखिए हमने तुरई के स्लाइसेस डाल दिए हैं और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से आप उसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लीजिए। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। तुरई में से काफ़ी पानी छूट जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं बॉयल आ रहा है और इसका पानी छूट रहा है। इसी पानी में ये टेंडर हो जाएगी। हम इसे ढककर 15 मिनट्स स्लो आंच पे पकाएंगे। फिर हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं। ये सारा पानी सूख गया और तुरई भी टेंडर हो गई है, अच्छे से भून गया है। हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। हम इसे डिश आउट कर देंगे। ये देखिए इस तरह का लग रहा है। हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसे आप चपाती के साथ और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।